आके एक बार जरूर ट्राई करना, यहाँ का समोसा मस्त। बोनलेस पर है। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज ये वेडनेसडे 6th of July, तो हम लोग कहीं बाहर निकले थे और हम सोचे कि जगन्नाथ जी का दर्शन करते चलते हैं, क्योंकि आज जगन्नाथ जी अपने मौसी माँ के यहाँ हैं। तो हम लोग गए थे, ये देखिए बहुत अच्छी दर्शन हुई है, शाम का टाइम है, लगभग 5:30 का टाइम है। आज मेरा भाई भी वापस जाने वाला है और कल है मम्मी पापा का एनिवर्सरी, तो आज ही थोड़ा सा खाना पीना, क्योंकि कल है गुरुवार तो कुछ खाना पीना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो सोचा कि यहाँ से जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करके वापस चलते हैं घर। घर जाके फिर खाना भी बनाना है, जाते हुए रास्ते से हम लोग को मटर लेके जाना है। कुछ इमरजेंसी काम में फंस गए थे तो सुबह से अभी तक तो कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो यहाँ पे आए थे हम लोग समोसा खाने। एक बार ज़रूर ट्राई करना, यहाँ का समोसा मस्त, एकदम मस्त ट्राई है। सो सी यू। अभी जाएंगे मटर लेने के लिए, पैसे विड्रॉ करने आई हूँ। सो लेट्स सी, पैसे विड्रॉ करते हैं और चलते हैं यहाँ का जो बहुत अच्छा मटन शॉप है वहाँ। सो लेट्स गो गाइस, प्लीज़ इग्नोर माई फेस। पीछे जो शॉप देख रहे हैं उसका नाम है हीरा, आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत अच्छा देता है मटन का, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग अक्सर यहीं से लेते हैं। तो हम लोग नहीं, हमारे जान पहचान की भी मैक्सिमम लोग यहीं से लेते हैं। सो अभी लेने आए हैं, चलिए मटन लेते हैं और घर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए हैं और ये मटन मैरिनेट कर रहे हैं, सिंपल सा बस हल्दी और सरसों का तेल देके मैरिनेट करेंगे, क्योंकि तुरंत बनाएंगे और भाई आज चला जाएगा, तो फटाफट चलिए बना लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, मैं जो समोसा की बात कर रही थी वो कहाँ मिल रहा था और आप कैसे पहुँच सकते हैं, उसके लिए मैं स्पेशल एक छोटा सा ब्लॉग डालूँगी, आप उसको चेक कर लेना, इसके बाद ही मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिए कहाँ मिलता है। रियली बहुत टेस्टी, अमेजिंग मिलता है। और यहाँ पर लव रो रहा है बहुत एक अजीब रीजन के लिए, जब हम घर आए तो देखे, अब सुनिए क्यों रो रहा है। काई कांचू को टिक्के को कौ काई कांचू सत कथा को कोठी जीबू तो गाइस लव रो रहा था मेरी शादी अटेंड करने के लिए, मेरे शादी में उसको जाना है, मेरे और जीत की शादी में। पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में घुस गया था, शायद कोई फ़ोटो देख लिया है। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जो कि मम्मी के एनिवर्सरी का क्लिप है, बाकी का क्लिप मैंने ऐड नहीं किया उस दिन का, कुछ बहुत हड़बड़ी में था तो मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे आज मैं बहुत एक अच्छा इजी एंड क्विक पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, बिल्कुल आप ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने पनीर को छोटे छोटे डायमंड शेप में यहाँ पे काट लिया है और उसको ऑयल में थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लिया, क्योंकि हमें फ्राइड पनीर पसंद है, तो आप चाहे तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। और साथ में लिया है बहुत ही बारीक बारीक कटे प्याज, लहसुन और यहाँ पे अदरक। तो सबसे पहले हमें प्याज को बहुत बारीक काट के उसको ना, मतलब जैसे बिरयानी में डालते हैं ना, वैसे ही आपको थोड़ा कुरकुरा टाइप्स उसको फ्राई कर लेना है और उसको ठंडा होने तक रख लेना है। बाकी जो तेल बचा हुआ है उसमें हमको अदरक और लहसुन को भी हमें फ्राई कर लेना है, वो सब ठंडा हो जाए तो उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, प्याज लहसुन अदरक पूरा ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा टमाटो लिया है, पापा को ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है इसलिए एक टमाटो लिया है, आप चाहे तो दो टमाटो ले सकते हैं। तो टमाटो को अच्छे से ग्राइंड करके उसका प्यूरी बना देना है। अब मैं इसको जो बचा हुआ तेल था उसी तेल में मैं डाल रही हूँ दो इलायची, आप चाहे तो बड़ी इलायची डालिए, बड़ी इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक टुकड़ा दालचीनी का और दो लौंग बस उसको, और बाकी दो तेज़पत्ता, उसको अच्छे से हम मतलब थोड़ा सा चला देंगे। साथ में ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा, जीरा तड़क जाए, तेल आँच को ना हमें मीडियम से लो रखना है, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। अभी ऐड करेंगे हमें हल्दी पाउडर और हरी लाल मिर्च का पाउडर। अब तो आप चाहें तो यहाँ पे कसूरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, जो सिर्फ कलर के लिए आता है। और यहाँ उसके बाद आपको ऐड कर देना है टमाटर का प्यूरी, उसको अच्छे से एक दो मिनट पका लेना है, क्योंकि कच्चा टमाटर हमने फ्राई किया था। उसके बाद जो अदरक प्याज और लहसुन का जो पेस्ट था, लगभग 4 प्याज मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, तो उसको अच्छे से हमको उस मसाले में फ्राई कर लेना है डाल के।
प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट ऑलरेडी कुक है तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम बस ऐड करेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो हम उड़िया लोगों का बिना आलू के कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आलू भी फ्राई करके ऐड किए हैं। आप चाहे तो खाली पनीर की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। और फाइनली इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 कप जितना आपको चाहिए पानी, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे गर्म पानी थोड़ा सा लिया है, ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छे से पकने दें। और लास्ट में आप घी, थोड़ा देसी घी ऐड कर सकते हैं अच्छा कलर आने के लिए, जो कि मैं यहाँ पे वो क्लिप मेरा मिस हो गया था। और साथ ही ऐड करें स्वादानुसार नमक। और ये देखिए आपके डिलीशियस यम्मी टेस्टी पनीर की सब्ज़ी तैयार है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो उसमें लास्ट में पानी देने के बाद एक हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, सो दैट उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। लव खाएगा इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे पूड़ियाँ मैंने ऑलरेडी तल दी है। तो ये है मम्मी पापा का एनिवर्सरी का सिंपल सा डिनर, पूड़ी और पनीर आलू की सब्ज़ी और ये रहे रसगुल्ले। तो ये रहा एनिवर्सरी का केक। पापा कभी इतना आनेकानी नहीं करते हैं, एनिवर्सरी का केक तो कट ही कर लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा पापा का मूड शायद ठीक नहीं था और केक हम लोग कट करें रात के 11 बजे 10:30 बजे आई थिंक, या 10:30 बजे खाना वाना खा के, क्योंकि जीत का ऑफिस था तो लेट हो गए थे, तो वो लेट से आए। और यहाँ पे हो रहा है एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन, बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा सेलिब्रेशन है। इस बार पापा मम्मी का 40th एनिवर्सरी था, जो कि स्पेशल था, हम उसको स्पेशल करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो इस बार छोटा भाई भी रुकने वाला था, क्योंकि 7th हो जाता है ना मंथ का, तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो वो भी रुक नहीं पाया, उसको कुछ इमरजेंसी काम आ गया तो उसको भी जाना पड़ा, इसलिए मन थोड़ा उदास हो गया। लेकिन चाहते थे कुछ स्पेशल करना जो कि हो नहीं पाया। नो वरीज़, नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि सब साथ में रहेंगे तभी तो अच्छा लगता है, सेलिब्रेशन का मज़ा आता है। लेकिन 40th है तो उसको ऐसे भी नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए हम लोग बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन किए, जो कि मम्मी पापा दोनों के लिए एक सरप्राइज़ था। उनको पता नहीं था, दे वेयर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे करके। रात के 10:30 बजे हम लोग, मतलब डिनर ख़त्म करने के बाद ही हम लोग सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे थे। तो लव तो सुपर एक्साइटेड था एज़ यूजल केक कटिंग करने के लिए, और उसका ध्यान सिर्फ केक पर ही था। तो यहाँ पे मम्मी सबको केक खिला रही है और लव अपना ही खा रहा है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द फैमिली ऑस्कर महाराज को केक खिलाए बिना तो कोई सेलिब्रेशन ही अधूरा है। तो एनीवेज़ हो गया छोटा सा सेलिब्रेशन। आई होप आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलती हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप लविंग योर लाइफ।